हेलो दोस्तों, तो आज वीवो ने लॉन्च कर दिया अपना वीवो V20 SE एडिशन। यहाँ पे इंडिया में इस फोन को लॉन्च कर दिया गया है 20,999 रुपए की प्राइस पे, यानी करीबन 21,000 रुपए की प्राइस पे आपको ये फोन मिल जाएगा। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस बंदे को ये फोन लेना चाहिए, किस बंदे को नहीं लेना चाहिए, किन लोगों के लिए फोन है, किन लोगों के लिए नहीं है, इसकी प्रॉब्लम्स और इसकी अच्छाई, यानी सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। बताएंगे इस फोन के 3 सबसे बड़े इश्यूज जिनको आप फेस कर सकते हैं अगर आपकी वो नीड्स हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फोन लेने के बाद डिपेंड करता है कि आप उस फोन को किस तरीके से यूज करने वाले, उस हिसाब से उस फोन की प्रॉब्लम्स आपको इफेक्ट करती हैं या फिर नहीं करती हैं। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इफेक्ट करने वाली और आप उस टाइप की यूजर हैं तो आपको उस फोन को नहीं लेना चाहिए। आपको किसी ऐसे फोन के साथ जाना चाहिए जो आपकी सारी नीड्स को पूरा कर सके। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं इस फोन में आने वाली कुछ अच्छी चीजों के बारे में। यहां पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो 6.44 इंच की डिस्प्ले जो कि एक एमोलेड पैनल के साथ आती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलेगा, एक फुल एचडी आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी रखेगी, वाटरटॉप नॉच आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाएगी। बात करें अगर बैक साइड की तो पीछे की तरफ आपको ट्रिपल रियर कैमरा एक अच्छा सा ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आपको बैक पैनल देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी देखने के लिए मिलेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्लास्टिक बॉडी वाला फोन लेना है या फिर ग्लास डिजाइन वाला फोन लेना है, इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी, कुछ लोगों के लिए कौन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कौन नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे डिपेंड आपके ऊपर करता है। बट यहाँ पे जो एक चीज का आपको ध्यान रखना है वो है इस फोन में आने वाली डिस्प्ले प्रोटेक्शन। वीवो की तरफ से नहीं बताया गया कि यहाँ पे कौन सी डिस्प्ले प्रोटेक्शन होने वाली है। कॉर्निकल ग्लास की डिस्प्ले प्रोटेक्शन होगी बट कौन सी ये पता नहीं चला है। तो इस फोन की जो पहला इशू आपको होने वाला है वो है इस फोन की डिस्प्ले प्रोटेक्शन को लेके। बात करेगा यहाँ पे इस फोन के दूसरे हाईलाइट के बारे में तो वो है इस फोन का कैमरा। दोस्तों इस फोन में आपको मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल की प्राइम लेंस, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। ये कैमरा सेंट्रिक फोन होने वाला है। यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल कैमरा काफी अच्छा है, आपके फोटोज काफी अच्छे होंगे, बट यहाँ पे जो एक चीज का वीवो को ध्यान रखना चाहिए था, 20,000 रुपए की प्राइस में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देना ये कहीं से भी ठीक चीज नहीं है। तो यहाँ पे आप जो भी फोटोज लेंगे बोके मोड पे वहां पे आपको थोड़ी क्वालिटी में दिक्कत लगने वाली है, इसीलिए वीवो को यहाँ पे थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था अपनी इस लेंस को। दूसरी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस होगी, कभी कभी अगर आप कैमरा यूज करेंगे तो आपको वहां पे हल्की हल्की दिक्कत होने वाली है। तो आप एकदम परफेक्ट कैमरा सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हैं तो ये फोन आपके लिए नहीं है। हाँ ये फोन कैमरा सेंट्रिक है, आपके फोटोज यहाँ पे काफी अच्छे आ सकते हैं, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। बात करें अगर तीसरे हाईलाइट की तो दो हमने प्रॉब्लम्स बता दी, दो हमने हाईलाइट्स बता दी। अगर यहाँ पे तीसरे हाईलाइट की बात करें तो वो होने वाली इसकी बैटरी और चार्जिंग स्पीड। 4100 mAh की आपको बैटरी मिलने वाली, जहां पे आपको 33 वॉट्स की चार्जिंग मिलेगी, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल बैटरी के साथ एक अच्छा पैकेज दिया गया है, 21,000 रुपए के हिसाब से एकदम वैल्यू फॉर मनी वाली चीज है। लेकिन अगर बात करें इस फोन की तीसरी प्रॉब्लम के बारे में तो यहाँ पे आपको जो तीसरी प्रॉब्लम मिलने वाली है वो है इस फोन में आने वाला प्रोसेसर। यहाँ पे आपको मिलेगा कॉलकॉम की तरफ से आना स्नैपड्रैगन 665 एक अच्छा प्रोसेसर है, बट 20,000 या 21,000 रुपए के प्राइस पे नहीं होना चाहिए था। इस प्रोसेसर को अगर वीवो लॉन्च करता तो 15,000-14,000 रुपए पे अगर लॉन्च करता तो एक बार को चल जाता। यहाँ वीवो का फोन है, 15-14 में आपको 665 मिल रहा है, ओके चीज है। लेकिन हाँ यहाँ पे आप 20,000 रुपए पे कर रहे हैं तो इस प्राइस पे तो बिल्कुल भी जस्टिफाई वाली चीज नहीं है ये। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप एक परफॉर्मेंस वाइज फोन ढूंढ रहे हैं तो ये फोन आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों किन लोगों को ये फोन लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, अगर आप एक अच्छी डिजाइन और एक अच्छी डिस्प्ले वाला फोन ढूंढ रहे हैं तो आपको जरूर ये फोन लेना चाहिए, बट अगर आप एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला फोन ढूंढ रहे हैं तो आपको इस फोन को इग्नोर करना चाहिए। आपको अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए तो आप इस फोन को ले सकते हैं, बट अगर आपको एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए तो आप इस फोन को इग्नोर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए तो आप इस फोन को ले सकते हैं, बट आपको एक परफेक्ट कैमरा चाहिए तो आप इस फोन को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जिनके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, अपनी नीड्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बैटरी के हिसाब से अगर आप बताएं तो यहाँ पे बैटरी इस फोन की ओके रखेंगी, एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से फोन दे देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं दबाया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।